हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारी वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम अपने दावा के फ़ोन में, जो स्विप लॉक होता है, स्विप लॉक को हम कैसे सेट कर सकते हैं। तो स्विप लॉक को लगाने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो इस वीडियो को हम सिंपली शुरू कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, जो हम बस लावा का फ़ोन है, जो लावा के फ़ोन की मोबाइल सेटिंग्स होती है, उस सेटिंग्स को हमें ओपन कर लेते हैं। तो सिंपली हम सेटिंग्स को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे हमारे सेटिंग्स ऑप्शन है, सिंपली हम सेटिंग्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेटिंग्स ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको जिस तरीके से इंटरफेस शो हो जाएगा, तो बस हमको क्या करना है, नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको जो सिक्योरिटी ऑप्शन, सिक्योरिटी ऑप्शन शो होगा, तो सिक्योरिटी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सिक्योरिटी ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद पहले दिखा देते हैं कि जो हमारा स्विप लॉक है वो नहीं लगा हुआ। तो सिंपली वैसे हम बायोमेट्रिक्स वाले ऑप्शन में पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको जो स्क्रीन लॉक का ऑप्शन है वो आपका पे शो होता होगा। तो स्क्रीन लॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। स्क्रीन लॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे जो स्विप का ऑप्शन, स्विप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। स्विप वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद, स्विप वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको जो स्विप लॉक लग चुका होगा, तो सिंपली हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने जाएगा अगर हमें स्विप लॉक लग चुका है, और अगर देखिए अगर हम इसको हटाने, तो हटाने के लिए सिंपली उसी सेटिंग्स पर आना है। सेटिंग्स पर आने के लिए क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम नॉन पे क्लिक करेंगे। नॉन पे क्लिक करने के बाद बैक कर देंगे। बैक करने के बाद हम फिर से बटन दबाएंगे, तो अगर देखिए हमारा कोई स्विप लॉक नहीं लगा हुआ, तो हमारा स्विप लॉक हट जाएगा। तो इस तरीके से स्विप लॉक को लगा सकते हैं, हटा सकते हैं अपने लावा के फ़ोन में। तो गाइस यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। गाइस आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद है, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत थैंक यू।